हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉब इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ऑपरेटर टेक्नीशियन के अलग अलग पदों पर भर्ती होनी है। तो कैसे आप इस आवेदन को भरेंगे, क्या क्वालिफिकेशन, कितनी फीस आपको पे करनी होगी, पूरी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितने भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो डिटेल है दोस्तों, जो नेम है वो वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसमें ऑपरेटर टेक्नीशियन के अलग अलग पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें आप अप्लाई जो कर सकते हैं। उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अक्टूबर 2018 है और लास्ट डेट जो है वो 16 नवंबर 2018 रहेगी। एडमिट कार्ड और रिजल्ट के बारे में अभी नोटिफिकेशन में नहीं आया, कब जारी होंगे, तो जैसे जारी होंगे तो हम आपको वीडियो के माध्यम से गाइड करेंगे कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है और रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसमें ऑफिशियल जो है कि वो यहाँ पर दी हुई है, तो इस वेबसाइट पर जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और टाइमिंग दिया हुआ है कब से कब तक आप फ़ोन करें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मैं आपको उसके नोटिफिकेशन में बताऊंगा दोस्तों। एज की हम बात करें तो मिनिमम 32 साल की आनी चाहिए इस आवेदन को भरने के लिए। जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट होंगे उनके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है सिक्योरिटी एज, उनकी जो 37 साल से अबव नहीं होनी चाहिए। और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स अप्लाई अगेंस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सिक्योरिटी, एज लिमिट इज रिलैक्सेबल जो रहेगी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसमें। और डिसीजन ऑफ गिविंग एज रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी ईसी ईएक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मैक्सिमम 45 ईयर्स। एप्लीकेशन आपको पे करनी होगी वो 300 रुपये करनी होगी जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए कोई फीस पे नहीं करनी होगी। फीस पे कर सकते हैं दोस्तों वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा पे कर सकते हैं। बात करते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम आपको दिखा देते हैं, वो कैसे आप अप्लाई करेंगे। इसका जो लिंक है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकें और चेक कर सकें। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर इनका इन्होंने दिया हुआ है जो डिपार्टमेंट जो पोस्ट का जो नाम है और साथ में वैकेंसी और मिनिमम एनशियल क्वालिफिकेशन सामने दी हुई है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके सामने उसका जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी वो दी हुई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है उसके लिए 6 पोस्ट हैं, इसमें जो सैलरी दी जाएगी 6000 से लेकर 20200 विद ग्रेड पे 4400। इसके साथ में 6 जो टोटल पोस्ट है और क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कर देना है। नीचे उसमें जो अलग अलग जो नोटिस दे रखे हैं वो भी आप अच्छी तरह से रीड करें दोस्तों, और उसके बाद ही अपना जो आवेदन है वो करें। बात करते हैं अप्लाई करने के लिए, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो है WBPDCL online.com। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ से पोस्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आपको करना है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद नीचे अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम और जेंडर कौन सा है, नेशनलिटी, आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड नंबर, वह सब यहाँ से सिलेक्ट करके और आईडी प्रूफ नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। डोमोसाइल आपके पास अगर वेस्ट बंगाल का है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अदर का है तो यहाँ पर टिक करेंगे। कैटेगरी आपको डाल देनी है, डेस्टिनेशन, एम्प्लॉय नंबर और यहाँ पर जो साइट है वो आपको सिलेक्ट कर देनी होगी। तो इस तरह से करके आप नीचे भी जो दिया हुआ है इसको आपको फिल कर लेना होगा दोस्तों। नीचे अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस और सबसे नीचे क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी और नीचे आपको जो डिक्लेरेशन है यहाँ पर टिक कर देना है, अपना पहले स्थान पर रहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। ये नीचे इमेज दी हुई है कैप्चा या एज इट इज़ आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है और सेव एंड जो एडिट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसे करके आपका जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इसमें एप्लीकेशन फ़ीस करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप अपनी ऑनलाइन जो फीस है वो पे करके अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसका भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ये ऑफिशियल साइट है इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा दोस्तों
उसके बारे में भी हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे, कैसे आप अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।